हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके पास भी रियलमी X7 Max डिवाइस है तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। एक सरप्राइज है आपके लिए और इतनी अच्छी एसेसरी बताने वाला हूँ, बैक केस बताने वाला हूँ ना, दिल खुश हो जाने वाला है आपका। पर ये जो ग्रीन ऑलरेडी चढ़ा हुआ है ना, एक ग्रीन एक रेड केस की ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पे एसेसरीज वाली प्लेस में जाके आप देख सकते हो। ये बैक का जो स्क्रीन गार्ड चढ़ा है और फ्रंट का जो स्क्रीन गार्ड चढ़ा है, दोनों की वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप वो देख सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी ग्रीन वाले की, लेकिन आज जो केस होने वाला है वो इन सबसे अलग होने वाला है और पूरे के पूरे फ़ोन का लुक ही चेंज कर देगा। ये जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे हाथ में पार्सल है, इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं और अंदर से केस निकाल लेते हैं कि ये केस कैसा आया है, क्या ये फोटोज़ में जैसा देखा था वैसे ही आया है या कुछ अलग आया है। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि ये प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। काफी फंसा हुआ है अंदर और ये बाहर आ चुका है। अब इसको देख लेते हैं। ओ हनी कॉम्ब केस है ये और काफी अलग ही लेवल का लग रहा है। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो की क्वालिटी में देख पा रहा हूँ नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं खोल के भी दिखा देता हूँ इसको। काफी शानदार केस लग रहा है ये, बिल्कुल ही अलग डिजाइन एकदम, मतलब मुझे तो काफ़ी पसंद आया फर्स्ट लुक में ही। और ये जो इस पर ये पन्नी चढ़ी है इसको हटा लेते हैं। और ये जो केस है ना, ऊपर से बिल्कुल स्मूथ है, मतलब आउटर जो लेयर है इसकी काफ़ी स्मूथ है, अंदर से ये जो टेक्सचर बना हुआ है हनीकॉम का वो देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी शानदार लग रहा है यार मुझे तो। इसकी ये रैप हटा देते हैं चिपका हुआ है जो इस पर, और भाई अलग ही लेवल की फील आ रही है मुझे। और ये जब हम अपने फ़ोन पर चढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ोन दिखने वाला है, मुझे तो अभी से ही एक्साइटमेंट हो रही है। और आपने अगर वीडियो लाइक नहीं करी है ना अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि वही एक चीज़ है और ये वीडियोस आपके लिए ही बना रहा हूँ मैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी ये जैसे कि आप क्वालिटी देख सकते हो, ऊपर इसमें रबड़ लगी हुई है जिसकी वजह से क्या होगा ना, ग्रिप भी बनी रहेगी हाथों में और ऊपर से ये कभी गिर जाता है तो ये आउटर कवरिंग जो इसकी रबर उठी हुई है ना वो उसको बचा लेगी फ़ोन को। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और पीछे से तो ये पूरा प्लास्टिक है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्मूथ एकदम टेक्सचर है जो कि बिल्कुल भी मतलब शाइनी सा फील होगा आप इसको लगाओगे अपने फ़ोन पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जल्दी से इसको अपने फ़ोन के अंदर रख के देख लेते हैं कि कैसा दिखता है अंदर रखने के बाद। तो ये ऊपर का सेट कर दिया और नीचे का थोड़ा सा दबाना पड़ेगा आपको क्योंकि वो थोड़ी सी टाइट फिटिंग है, अंदर चला जाएगा स्मूथली बिल्कुल, जैसे कि ये नहीं जा रहा था अभी ये दबाने पर चला गया। तो यहाँ पे ये क्या देखने को मिल रहा है हमें, भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट फिट आई है एकदम। और ये पीछे से आप देखो, इट इज़ जस्ट लुकिंग सो अमेजिंग, मुझे तो भाई मज़ा आ गया इस कवर को देख के। आप मुझे कमेंट करके दिखाओ बताओ कि यार आपको कैसा लग रहा है, मेरे को तो भाई बहुत ही ऑसम लग रहा है। पीछे से बिल्कुल ही लुक चेंज हो चुकी है और हनी कॉम्ब का जो लुक आ रहा है पीछे से, भाई साहब पूरे फ़ोन की लुक चेंज हो चुकी है। इतने दिन से मैं प्लेन वाले केसेस यूज़ कर रहा था लेकिन ये वाला थोड़ा सा फंकी टाइप का मैंने मंगाया तो यार आई एम सेटिस्फाइड विद इट। और ये ऊपर आप देख सकते हो ये जो कवरिंग आउटर की उठी हुई है ना, तो इसकी वजह से आपका फ़ोन वगैरह डैमेज भी नहीं होगा। और ये साइड भी इसके थोड़े बड़े हैं ना, तो साइड से जैसे गिरता है ना तो प्रोटेक्शन इसकी परफेक्ट है। और ये इतनी जल्दी फेड भी नहीं होगा, जो येल्लो येल्लो पड़ जाते हैं ना वो फेड भी नहीं होगा ये, तो ये काफ़ी अच्छा लगा है मुझे ये केस। तो अगर आपको ये बाय करना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कोई अफिलिएट लिंक नहीं है, मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ना इस कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया है या कुछ किया है। ये मैं अपनी, मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट तो मैं अपनी खुशी के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये काफ़ी अमेजिंग सा केस लगा है यार, बिल्कुल मज़ा आ गया मुझे इसको चढ़ाने के बाद। ये देख सकते हो आप, साइड से भी थोड़ा सा उठा हुआ है तो प्रोटेक्शन भी भरपूर है और पीछे से तो भाई अलग ही लेवल की ब्यूटी दिख रही है। जैसे कि मेरा मिल्की वे कलर का फ़ोन है, मैंने ये अलग सा कलर इसलिए मंगाया, मैं चाहता तो ब्लैक और सिल्वर मंगा सकता था लेकिन वो प्लेन प्लेन हो जाते क्योंकि प्लेन तो हम केसेस चढ़ा सकते हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर आपका ऐसा अलग सा कलर होता है ना तो ये नेक्स्ट लेवल की फील देता है। यहाँ पे देखो आप, ये नीचे रख के भी देख रहा हूँ ना तो ये उठा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे कुछ भी स्क्रैचेस नहीं आने वाले अगर आप उल्टा भी रख देते हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये पूरी साइड में से उठा हुआ है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार पर्सनली। और ये कंपनी के केस मैं पहले ही मंगा चुका हूँ, वेल पॉइंट वगैरह, वेल पॉइंट नाम है शायद, हाँ
इसी कंपनी के मैं मंगा चुका हूँ, ये जो ग्रीन वाला था ये भी इसी कंपनी का था, तो भाई काफी अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं ये और ये काफी शानदार लग रहा है, पूरा का पूरा लुक चेंज हो चुका है, मुझे तो भाई काफी पसंद आया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं और केसेस की वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना, और ये केस आपको कैसा लगा ये आप बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मेरे को आप बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया यू आर मिसिंग अ लॉट, प्लीज़ उसको कर लो, वहाँ पे डिस्कशंस होते रहते हैं 24/7, वहाँ पे जाके ज्वाइन करो। और मेरा नया इंस्टाग्राम का पेज है प्लीज़ उसको फॉलो कर लो, क्योंकि पुराना वाला हैक हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई उसमें। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।